पहले वीके गुप्ता जी आपकी तरफ ही रुख करेंगे। जिस तरह से कर्नाटक में लगातार अभी सियासत चल रही थी, सियासत हालांकि अभी भी जारी है, लेकिन जो नाटक चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। मंगलवार को सारी तस्वीरें साफ हो गई, कुमारस्वामी सरकार गिर चुकी है। पहली बात तो धन्यवाद, और दूसरी चीज मैं माफी चाहूंगा, मेरा नाम संदीप पांडे है, इसको संदीप पांडे करा दीजिएगा, वीके गुप्ता नहीं है। ओके जी, अब मैं सवाल फिर से आपसे चाहूंगा एक बार फिर से सवाल। संदीप जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से पिछले 15 दिनों से कर्नाटक में नाटक चल रहा था, वो तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। अब वहां पर जो कुमार स्वामी की सरकार थी, बिना बहुमत के, बहुमत ना होने की वजह से कुमार स्वामी की सरकार गिर चुकी, मंगलवार को पूरी तस्वीरें साफ हो गई, क्या कुछ कहेंगे? मैडम देखिए, जिस तरीके से इसमें चल रहा है भाजपा इस समय राष्ट्र में अपनी सरकार बनाने में, प्रभुत्व बनाने में जमी हुई है, तो उसमें सरकार गिरना और बनाना तो भाजपा का बहुत पुराना ही काम है, ये आरएसएस की देन है, जो इस तरीके से सरकार गिराना और बनाना है, विधायक खरीदना। लेकिन सरकार चलाने के लिए अपने अंदर तो वो शक्ति होनी चाहिए ना, वो पावर होना चाहिए ना, कुमार स्वामी की तो सरकार सत्ता में थी ही। ये राजनीति है, देखिए राजनीति में तो कुछ भी संभव है, कहीं भी संभव है, अब जहां सत्ता पक्ष है वहां पे लोग भागते हैं। बिल्कुल, तो राजनीति है, संभव सब कुछ है, तो अगर बीजेपी के पास ठीक है बहुमत है और अच्छा शक्ति प्रदर्शन है, पावर है, तो ऐसे में हमलावर लोग विपक्ष क्यों हो रहे हैं? विपक्ष हमलावर कहाँ हो रहा है, विपक्ष तो हमारा गायब ही है, चाहे आप राष्ट्र स्तर पर देखें चाहे राज्य स्तर पर देखें, हमारा विपक्ष एकदम शून्य पर जा रहा है। तो लगातार आ रही है, हर विपक्षी पार्टी प्रतिक्रिया देने में चूक नहीं कर रही है। चूक क्यों नहीं, देखिए विपक्ष का तो सबसे पहला धर्म यही होता है कि आप पक्ष के गलतियों को दिखाएं, आंदोलन करें। कुमार स्वामी की सरकार गिरी नहीं, राहुल गांधी का ट्वीट आ गया, वहां अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना झूठा बयान दिया नहीं कि राहुल गांधी का, तुरंत उस पर प्रतिक्रिया आ गया। तो लगातार विपक्ष जो है अपनी प्रतिक्रिया देने से पीछे, प्रतिक्रिया क्या, हमलावर होने से पीछे नहीं हट रहा। अच्छा, विपक्ष का कर्तव्य क्या होता है? अगर एक विपक्षी पार्टी, क्या भाजपा इससे पहले विपक्ष में नहीं रही थी? वो तो आलू प्याज लौकी लेकर और सिलेंडर लेकर पहुंच जाते थे, ये भी तो विपक्ष का काम ही रहा है, विपक्ष फिर क्या करे, इसको सराहे? तो विपक्ष जब अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखा पाता, सामने वाले पे हमलावर होता है। तो यही चीज तो मैं इस पे मैं समर्थन कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करता हूँ, विपक्ष गायब है हमारे राष्ट्र स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी, विपक्ष को करना ये चाहिए, विपक्ष को किसी पार्टी का, किसी की चीज का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी भी मोदी जी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, उन्हें अपना काम देखना चाहिए, अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, जनता का हाल पूछना चाहिए, उनको सड़कों पे आना चाहिए, उस पर ये विपक्ष, वो उस पर पक्ष पे वार करें तो उचित लगता है, ये अपना कर्तव्य निभाएंगे इस प्रकार से, लेकिन हमलावर होकर कोई मतलब नहीं है विपक्ष का, जितना मैं समझता हूँ। ठीक है, पीवीजे निगम जी आपकी तरफ आएंगे। जिस तरह से कर्नाटक में जो नाटक का दौर था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन अब सवाल ये कि आखिर कर्नाटक का स्वामी कौन? दीप्सी जी, एक्चुअली पहले ही शुरू में भाजपा वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी थी, किंतु जेडीएस और कांग्रेस के मिल जाने से उसके पास बहुमत उतना नहीं हो सका, तो इसलिए उन लोगों ने सरकार बना ली थी। और चूंकि बहुमत उनका भी इतना नहीं था कि मतलब पूर्ण बहुमत के करीब हो, या बहुत ज़्यादा बहुमत तो था नहीं। अब चूंकि प्रतिपक्ष हो या कोई भी हो, जिसकी सरकारें केंद्र में या कई जगह होती हैं, पहले भी कांग्रेस के ज़माने में भी ऐसे ही होता आया है, कांग्रेस अनेक बार कई जगह पर अपने सरकारें गिराकर अपनी सरकारें बना लेती हैं थी, और आज बीजेपी भी मान लीजिए ऐसा है। अब लालच एक दूसरे को ब्लेम करें कि उनको लालच है इसलिए उन्होंने गिरा दिया, तो भाई राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति में सबसे बड़ा तो लालच मुझे नज़र आता है कुर्सी का, और कुर्सी के लिए तो संघर्ष करते ही हैं। अब वहाँ कर्नाटक में बहुत दिनों से चल रहा था, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो सरकार बनी थी, और कुमार स्वामी जी के आपने बताया, अभी भी बता रही थी, और कई बार मैंने पढ़ा भी कि और देखा भी टेलीविजन में कि वो रो रहे थे, उनके सहयोग पूरा नहीं मिल रहा था, इसका मतलब था कि अंदर रोना रोना तो उनका हमेशा का जारी था, किसी भी मंच पर होते इसका थे, मतलब तो था कि अंदर सरकार में सहमति नहीं थी, लोग जो थे वो एकजुट नहीं थे, एकजुट ना होना ही सबसे बड़ी कमी थी। कर्नाटक की ही सरकार, कांग्रेस सरकार की बात क्यों करें, ठीक है वहाँ कांग्रेस जेडीएस की सरकार है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से लोगों के बीच यूनिटी नहीं दिखाई दे रही, एकता नहीं दिखाई दे रही है, तो ये सिर्फ कर्नाटक की तस्वीर नहीं है, ये पूरे पार्टी की तस्वीर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीप्सी जी, बात ये है वर्तमान की में स्थिति ये हो गई है कि कोई भी प्रतिपक्ष लीडर नहीं है, कोई भी प्रतिपक्ष में अपना राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर ध्येय नहीं है, इन्होंने कहीं भी मतलब अपना मजबूती से देश की विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, जनता के हितों के लिए ऐसी कोई योजना या रणनीति बना करके काम नहीं कर रहे हैं।
अब कहीं का मान लीजिए जैसे कोई कैराना वाला कांड हो गया, उसमें जाकर हल्ला मचाया है, वो ये सब नहीं। आप ये देखिए कि क्या कमियां सरकार से हो रही हैं, प्रतिपक्ष को देखना चाहिए, उन कमियों को पूर्व में ही पहले से इंडिकेट करना चाहिए, उस पर PIL करना चाहिए, उन पर धरना प्रदर्शन करना चाहिए, उन पर सभी तरह के जो भी संभव प्रयास हैं उन्हें करना चाहिए। ऐसा कोई प्रयास प्रतिपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका नहीं है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी एकता नहीं है और प्रदेश स्तर पर भी एकता नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही रह जा रहे हैं। और अब जो शासन में है, जिसके पास पावर है, जिसके पास बहुमत है, वो तो अपने ढंग से चलेगा ही, लेकिन अगर प्रतिपक्ष, भारतवर्ष का के प्रतिपक्ष को आपके चैनल से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन सबको अगर राजनीति करनी है तो व्यक्ति विशेष अपने फायदे छोड़ करके समाज के हित में कार्य करना प्रारंभ करें, समाज के बारे में सोचें, सरकार की गलतियों को सही ढंग से आकलन करें और उसे समाज के सामने प्रस्तुत करने की का प्रयास करें, तभी प्रदेश की देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति में सही सुधार होगा। अन्यथा तो जिसका बहुमत होता है वो अपने अपने ढंग से कार्य करता ही रहता है, और आपकी कर्नाटक में भी BJP की सरकार बन ही जाएगी, क्योंकि जैसे ही येदियुरप्पा जी को केंद्र से उनको अनुमति मिलेगी, बैठक ले ही रहे हैं, और किसी न किसी तरह से, जैसा आप अभी हमारे संदीप पांडे जी भी बता रहे थे कि लोग ज़्यादातर सरकार के तरफ भाग रहे हैं, तो सरकार की तरफ भाग रहे हैं, एक समय आएगा अगर सही ढंग से प्रतिपक्ष होगा तो सरकार को छोड़कर भी लोग आएंगे, लेकिन ये प्रतिपक्ष के लोगों को तैयार करना होगा, माहौल बनाना होगा कि लोगों को लगे कि नहीं, प्रतिपक्ष जो बात कह रहा है, जो मुद्दा उठा रहा है वो सही है, केवल और केवल राजनीतिक करने के लिए हल्ला नहीं मचा रहा है, वो जो कह रहा है बात उसमें पूरी दम है, उसमें जोर है, तब वो देखेगा, प्रतिपक्ष भी देखेगा, हाँ, कि मीडिया भी साथ दे रही है और सब कुछ भी। मैडम बिल्कुल जैसे बाबूजी ने बोला, बिल्कुल मेरी बात को बाबूजी ने कंटिन्यू किया, ये विपक्ष का इस समय सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि उनको इसी कमरों से निकलना चाहिए। हमारे अखिलेश यादव हैं, वो खाली कॉन्फ्रेंस रूम में ही उनका सारा आंदोलन हो जाता है, सारी सड़कों पर वो समझ लिए निकल आए, उनका संगठन भी हो गया। आप लोगों को, विपक्ष को मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि कहीं ना कहीं इस पे जोर देना चाहिए, प्रतिपक्ष को अगर हम मजबूत करेंगे तभी जनता को अपने तरफ ले सकते हैं, अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, जिस प्रकार जो हमारे तरफ इस समय नदारद है, एकदम विपक्ष नदारद दिख रहा है हमको जिस प्रकार से, तो पक्ष जो होगा, पक्ष वो हमेशा मजबूत ही दिखाई देगा और उसकी तरफ लोग समर्पित हो जाएंगे। तो विपक्ष सिर्फ हमला करने के लिए दिखाई देता है, बाकी क्या उनकी रणनीति है, क्या काम, वो जमीनी हकीकत पर उनका कोई काम नहीं दिखाई देता है, बाकी और वो क्या किस तरह से आगे काम करने वाले हैं, कुछ भी कोई रणनीति उनकी नहीं दिखाई देती, सिर्फ जब कोई बात होती है या सरकार कोई एक्शन लेती है तो सिर्फ विपक्ष हमला करते हुए नजर आता है। फिलहाल PB विजय निगम जी आपसे जाना चाहेंगे, आज विधायक दल की बैठक होने वाली है कर्नाटक में, ऐसे में ठीक है संदीप जी, आप अपनी बात रख लीजिए पहले। मैम ये कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बात है, आपको जानकारी होगी कि जब धारा 144 लगी हुई थी अयोध्या में, तो सबसे पहले राज्यपाल को ज्ञापन देने में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी थे। 31 दिसंबर को जब साल सब नया जश्न मना रहे थे, साल नए साल का, उसमें विधानसभा को घेरने का काम हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने किया था। तो विपक्ष की जहां तक भूमिका राज्य स्तर पर की जाए, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव उस पर बहुत पुरजोर काम कर रहे हैं, उनका पूरा संगठन इस पर काम कर रहा है। अभी 11 लोगों के प्रतिनिधिमंडल हम लोग भेजे सोनभद्र, फैजाबाद पे जो घटना हुई वहां पर भेजा गया, हमारा प्रसपा का एक अमेठी का कार्यकर्ता प्रदेश सचिव मारा जाता है, उसकी हत्या हो जाती है रोहित अग्रहरी 14 जुलाई को। तो इस प्रकार से प्रसपा हर काम कर रही है, राज्य स्तर पे हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और विपक्ष को कहीं ना कहीं मजबूत भी बना रही है। PB विजय निगम जी कितना संतुष्ट आप इनकी बात से? मैं देखिए कहना चाहूंगा, ये अभी बात रख रहे थे कि ये कर रही है वो, मैं जानना चाहता हूँ क्या श्रमिकों के हित के बारे में क्या किया इन्होंने। इन्हें पता है, इनकी पार्टी को पता है कि आज वर्तमान में इतने वर्ष हो गए, और मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो लेबर कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर है वो, ये एक बात की गई कि भाई आपने जो जितने विद्यालय हैं, लखनऊ में 200 विद्यालय, पूरे उत्तर प्रदेश में 200 विद्यालय, उनके लिए क्या ग्रेजुटी का फॉर्म भरवाया आपने, क्या आपने उनको अवगत कराया कि ग्रेजुटी अधिनियम बन गया है, इसको दिलाना है? नहीं, वो कह रहा है कि वो तो मुलायम सिंह के जमाने में एक सर्कुलर निकला था जिसके कारण, जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि ये इंस्पेक्टर राज्य नहीं चलेगा। तो मैंने पूछा कि वो सर्कुलर ही दिखा दो मुझे, कहाँ है?
तो क्या ये श्रमिकों के हित में, आम जनता के हित में सोचते हैं, या अयोध्या के मंदिर बनाने में धरना प्रदर्शन वहां दे आएंगे उसके बारे में ही केवल सोचते रहेंगे? ये अगर प्रतिपक्ष है तो उन्हें जानना चाहिए ना व्यक्तियों के बारे में, सोचना चाहिए। और मैं एक मिनट मैडम अगर और दें, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आज की स्थिति ये है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर एक ग्रेजुटी के मामले में क्या निर्णय देता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक सीएमएस के केस में ये एक व्यक्ति को 1972 से केवल ग्रेजुटी को उसको रोकने का स्टे ऑर्डर दिया गया। उस ऑर्डर को लगा करके वो मतलब दो लोगों को मुझे मालूम है उनकी ग्रेजुटी का उतने 18 वर्ष की पीरियड का रोक दिया, और जबकि अभी हाईकोर्ट के द्वारा भी निर्णय एक हुआ है कि नहीं, ग्रेजुटी के जितनी सर्विस है उस पूरे पीरियड की ग्रेजुटी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 का था स्टे ऑर्डर, उसको उसने कोर्ट करके किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो विपक्षी लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्या समाज के बारे में जुड़ते हैं, समाज की या श्रमिकों के हितों के बारे में कितना सोचते हैं। केवल मुझे ये कहना है कि मंदिर मस्जिद और जाति धर्म के लड़ाइयों में ना रहें। आप अगर बनना चाहते हैं, देश के विकास में करना चाहते हैं, तो इधर आए, इधर सोचे जो मैंने दिया बिंदु, इसी पर विचार करके आगे संघर्ष करें। मैं ये जानकारी देना चाहूंगा, जिस प्रकार आप सभी को जानकारी होगी कि जब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी राजस्व मंत्री थे तो उन्होंने राजस्व संहिता लागू करी थी, जिसमें यह था कि अगर किसान 12 साल किसी भी जमीन पर खेती कर लेता है 12 वर्ष लगातार, तो वो खेत उसका माना जाएगा, वो खेती उसकी हो जाएगी। उस संहिता को तो राज्य सरकार सही से लागू नहीं कर पाई। अगर वो संहिता ही सही से लागू हुई होती तो सोनभद्र की घटना ना हुई होती। जिस तरीके से राजस्व संहिता शिवपाल सिंह यादव जी ने की थी, उसको अगर कंटिन्यू ही कर लिए होते तो ये घटना सोनभद्र की ना हुई होती। 12 साल से राज्य में योगी सरकार ही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पिछले 12 साल से जिस खेत पर जो किसान अगर खेती कर ले जाता है तो वो खेत उसका हो जाता है जिसका विवाद वहां पर सोनभद्र में हुआ है। कहा कि अगर राज्य सरकार ने, योगी सरकार ने लागू किया होता तो ऐसा ना होता। तो 2.5 साल लागू से पहले तो क्या 12 साल से, पिछले 12 साल से योगी सरकार है राज्य में, तो अब है उसको कंटिन्यूटी अगर दी गई होती तो सोनभद्र घटना क्यों होती? तो अगर उसको कहीं ना कहीं नकारा गया है राज्य सरकार इस बात को, क्या उठाया? मैं चाहता हूं पूछना कि क्या प्रसपा ने कहीं उठाया या किसी प्रतिपक्ष ने इस बात को सरकार को अवगत कराया? जब बीजेपी सत्ता में आई तो क्या इस बात को उठाया गया, सोनभद्र की घटना को? बिल्कुल उठाया गया। अगर उठाया ना गया होता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर सवाल ना करते, वो अपनी प्रतिनिधि मंडल ना भेजते उनके घटना पे। एक साल में ठीक है, आपने किस तरह से उस आप अपनी बात किस तरह से पहुंचाए हैं उस चीज को आप अपनी बात विस्तार से रखिएगा। फिलहाल यहाँ हमारे पास वक्त की अभी थोड़ी कमी है, इसलिए अभी यहाँ थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद बात करेंगे। नापाक इरादा रखने वाला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आखिरकार ये मान लिया कि पाकिस्तान में 40 से ज्यादा आतंकी संगठन चल रहे थे। पाक के पीएम ने अमेरिका में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पाकिस्तान में 40 आतंकी संगठन चल रहे थे, जिसकी जानकारी पूर्ववर्ती सरकारों ने पिछले 15 सालों में अमेरिका को नहीं दी। और इमरान खान ने कहा, हम अमेरिका के साथ आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान का 9/11 से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान में कोई तालिबान नहीं है, लेकिन हमने लड़ाई में अमेरिका का साथ दिया। दुर्भाग्यवश जब चीजें खराब हुई तो मैंने सरकार की आलोचना की, लेकिन पिछली सरकारों ने अमेरिका को जमीनी हकीकत के बारे में नहीं बताया। साथ ही इमरान खान ने भारत पर एक बार फिर से झूठा आरोप लगाते हुए कहा कि भारत में भी जैश काम कर रहा है, जैश का संगठन, और पुलवामा हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था, इस हमले को स्थानीय आतंकियों ने अंजाम दिया था, लेकिन जैश की वजह से पाक पर आरोप लगा था। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का झूठ सामने आया, और अब वहीं दूसरी तरफ इमरान खान भी भारत पर झूठा आरोप देने के लिए तुल गए हैं। तो जिस तरह से उन्होंने ये तो कबूल कर लिया कि पाकिस्तान में 40 संगठन हैं, आतंकी समूह के 40 संगठन काम कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले से पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके जो नापाक इरादे हैं वो जगजाहिर जरूर हो गए।
क्योंकि जिस तरह से वो ये कहते आए हैं पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण नहीं देता है, और वहीं इनके इसी बयान में ये साफ हो गया कि वहां पर आतंकी के 40 संगठन चल रहे हैं और पाकिस्तान में आतंकी संगठन कार्यरत है अभी भी। तो सबसे पहले पी विजय निगम जी आपकी तरफ रुख करेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान के नापाक इरादे जो थे वो अब उजागर हो गए, हालांकि पुलवामा आतंकी हमले को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके ही बयान में ये साफ हो गया कि वहां पर पाकिस्तान में अभी भी आतंकी संगठन चल रहे हैं। दीप्सी जी, जो इमरान खान जी ने वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये पूरी रणनीति बनाकर, योजना बनाकर अपने पत्रकारों से वहाँ के माध्यम से इन्होंने सवालों को क्रमवार उठाते उठाते और सीधे सीधे यहाँ जम्मू कश्मीर पर लाकर रखा। और मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने जो भी रणनीति बनाई थी और मतलब जो भी कार्य किया था, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जी ओबामा जी पूरी तरह से फंस गए और फंसते चले गए, और साथ साथ उन्होंने एक झूठा बयान भी दे डाला कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे ये कहा कि हम आप मेरे कश्मीर मुद्दे में मध्यस्थता करें। तो देखिए, एक इतनी, जबकि अमेरिका का प्रभुत्व पूरी दुनिया में है, अमेरिका के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के मेरे ख्याल में शायद ही एक आध देश होंगे जो उनको इतना सम्मान के तरह से ना देखते हों या प्रतिद्वंदी उनको उनके हों, पर बाकी सारे कंट्री के जितने लोग हैं और सभी लोग ये अमेरिका के से अपेक्षा करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से अपेक्षा करते हैं कि उन्हें एक सच बात बोलनी चाहिए। अब आप ये देखिए, इतनी बड़ी पोस्ट पर अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए भी उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि वो जो है मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला। अब मुझे ये लगता है कि शायद फिर बाद में उन्होंने ही उनके जो है पार्टी के द्वारा खंडन भी एक तरह से किया गया इनडायरेक्ट वे में, ये कहा गया कि नहीं नहीं वो पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा है, उसे अपने आप सुलझाना चाहिए, इस तरह की बातें उन्होंने करके उन्हीं के सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा ऐसे बयान जारी किए गए। इससे शो होता है, इससे ऐसा लगता है कि जो अमेरिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति जी हैं, उनका मॉरल अपने आप से काफ़ी कुछ गिर गया है और वो यहाँ तक गिर गया है कि वो ये भी नहीं सोच पाए कि अगर एक ऐसा बयान हम दे रहे हैं, शायद या तो उनके पास या तो प्रूफ होता तो उसको तुरंत वो रखते कि देखिए ये हम आपने, अगर ऐसे ही हैं तो इतने संपन्न हैं वो लोग, वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करा के रख सकते थे, उसको रखना चाहिए था, उसे दिखाना चाहिए था कि हाँ मोदी जी ने ऐसा बोला, और इतना झूठ बोल रहे हैं आप कि, और मोदी जी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये एक गलत है, एक तरह से उनकी ही छवि काफ़ी गिरी अन्य राज्यों में। राष्ट्रपति ने अपने बयान में ये चीज साफ कर दिया, कश्मीर मुद्दे का कहीं जिक्र नहीं था, तो एक तरफ से ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो झूठा बयान दिया, हालांकि उनकी नीयत तो पता चल गई कि किस तरह से इमरान खान जब वहां पहुंचे तो उनकी नीयत बदल गई, वो किस तरह से इमरान खान के सामने भारत की ही बुराई करने में प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने लगे। दीप्सी, ये बहुत दिनों से अमेरिका की राजनीति इसी प्रकार की रही है, वो बराबर पाकिस्तान को मदद करता रहा है, हथियारों को देता रहा, तमाम धन भी देता रहा, लेकिन उसने कहीं भी सच्ची मतलब राजनीति नहीं की, अर्थात उन्होंने कभी भी जो आतंकवाद है उसको ख़त्म करने का के लिए नहीं संकल्प लिया या सहयोग किया। ऐसा लग रहा था, इधर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होने पर लग रहा था, सभी देश की जनता को पूरा एहसास हो रहा था कि शायद अमेरिका सुधर रहा है और अमेरिका की राजनीति जो है सुधर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर देखिए, इमरान खान के पहुंचते ही उन्होंने इस एक तरह से दोहरा जो चरित्र दिखाया, तो पहले से ही उनका ऐसा ही चरित्र रहा है। ठीक है, पी विजय जी, आपके पास आएंगे। संदीप, जिस तरह से एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का झूठ उजागर नहीं हुआ कि पाकिस्तान के इमरान खान का झूठ सामने आ गया। देखिए दीप्सी जी, कि ये क्या है कि पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती तो जग जाहिर है, जिस प्रकार से दोस्ती करते हैं, अमेरिका हमेशा से ही पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। दूसरी तरफ ये सीरिया में, इराक में, ईरान में, जिस प्रकार से रखिए ना, लेकिन सच्चाई की बुनियाद पर रखिए, ये भी तो हो सकता है ना, तो सच्चाई की बुनियाद पे। तो अमेरिका जानती है कि पाकिस्तान और भारत में मध्यस्थता मतलब बवाल चल रहा है, हमारे बीच में दिक्कत है,
तो ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि उसको क्या देखना है। वो अमेरिका की बात में आके भारत के ऊपर हमला करता है या किसी प्रकार का बयान देता है, या ये पाकिस्तान को देखना चाहिए। हम तो कहेंगे ये पाकिस्तान की कमजोरी है, ये अमेरिका की कमजोरी नहीं है। अमेरिका तो एक ना दिन जिस तरह से सीरिया को उनके कोई वहां नहीं पहुंचा, सिर्फ वहां के जो विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। मेट्रो से सफर करना पड़ा उनको, इससे ज्यादा उनके लिए और क्या बिल्कुल बेइज्जती की बात होगी। बिल्कुल वही चीज है। तो ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि उसका स्तर इस समय भविष्य को देखना चाहिए पाकिस्तान को, उसको पाकिस्तान को अमेरिका देखना चाहिए कि उसको भारत देखना चाहिए। हम लोग पड़ोसी मुल्क हैं, आप अमेरिका से सहायता ज्यादा अच्छी ले सकते हैं कि हमसे ले सकते हैं? अमेरिका का काम है बीच में लड़ा करो चला जाना। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है एक बार इमरान खान की तरफदारी, एक बार पीएम मोदी के साइड आए, लेकिन ठीक है झूठा आरोप लगाकर आप क्या साबित कर सकते हैं? क्योंकि जो झूठ की बुनियाद होती है वो कभी टिक नहीं सकती। जहां तक मैं समझता हूं, भारत में मोदी जी या पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का जो भी नाम हो रहा है, इतने प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को हो सकता है अपनी प्रसिद्धि पे खतरा लग रहा हो, तो हो सकता है आरोप लगाकर उनको कमजोर साबित करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही, तो ये भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के, बहुत पुराने आदमी हैं, तो हो सकता है कि मोदी जी पर हमला इसी प्रकार से करना चाह रहे हैं, उनको डाउन करना चाह रहे हैं। एक बात और, कल जब ये बातें सामने आई, ये खबरें सामने आई, व्हाइट हाउस का बयान भी आ गया कि कश्मीर मुद्दे का कहीं कोई जिक्र नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का झूठ जग जाहिर हो गया, उसके बाद राहुल गांधी का ट्वीट सामने आता है कि अगर ये बयान सच है, क्यों सच है जब ये चीज साबित हो रहा है? एक तरफ पूरा भारत लगा हुआ है, पूरा देश लगा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला, उस झूठ का पर्दाफाश किया जाए। दूसरी तरफ राहुल गांधी का ट्वीट आता है कि अगर ये बयान सच है तो प्रधानमंत्री ने देशवासियों के साथ धोखा किया है। मैडम मैं ये कहना चाहूंगा कि ये राहुल गांधी जी की कमी होगी या कांग्रेस की कमी, मैं कहूंगा खुले स्तर पर, कि जहां पर बात अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आती है तो उन्हें अपने पार्टी को समर्थन देना चाहिए, ना कि उनका समर्थन करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। सबसे पहले अनर्गल बात करना कांग्रेस बंद कर दे। उस बयान को, वो बयान जैसे ही सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का, किसी को यकीन नहीं हुआ। व्हाइट हाउस का बयान आ गया सामने कि उनका भी जो बयान आया, जो जारी किया गया, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि कश्मीर मुद्दे का जिक्र नहीं है, ये जो बयान है डोनाल्ड ट्रंप का झूठा है, उसके बाद इस तरह का ट्वीट करना ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इस पे हम प्रसपा तो कड़ी निंदा करती है, और कांग्रेस को अगर सच में पक्ष में आना है या कभी सत्ता पानी है तो इनको ये सब चीज छोड़ना पड़ेगा, उनको मुद्दों पर बात करनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करना नहीं चाहिए। ये मैं साफ करता हूँ। बिल्कुल दीप्ति जी, मैं भी इस पर एक बात कहना चाहूँगा कि पहले तो राहुल गांधी जी को ये ट्वीट करना चाहिए था कि डोनाल्ड ट्रंप जिस बात को कह रहे हैं, क्या उनके पास वीडियो है, क्या इसके प्रूफ वो दिखा सकते हैं पूरे संसार को? उसके बाद भले ही अपने संसद में अपने प्रधानमंत्री से मिल करके वो पूछते, कोई भी हो या देश की ही जनता हो, लेकिन राष्ट्रहित की बात सर्वोपर होती है, होनी चाहिए। बिल्कुल, वो अंदर अपने अंदर आप लड़िए, झगड़िए, पूछिए कि भाई क्यों ऐसा कैसे आया, लेकिन बयान जब अंतरराष्ट्रीय जाना चाहिए वो इस प्रकार का होना चाहिए कि पूरा देश यूनाइट है और देश का जो प्रधानमंत्री कर रहा है वो सर्व सहमति से ही कर रहा है, ऐसी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम अपने राष्ट्र की ही सरकार के बारे में कुछ ऐसी बयान या ट्वीट करेंगे तो जरूर उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को प्रभाव नजर आने लगेगा। ये नजर आएगा कि अभी भारतवर्ष कमजोर है, जबकि संदेश ऐसा गया है मोदी जी के उसमें कि बहुत सारे राष्ट्र एक भारतवर्ष को बहुत उम्मीदों से बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में अब समझने लगे हैं। इसलिए अपने सरकार की, अपने भारतवर्ष की जो स्थिति बन रही है उसको डाउन करने के लिए राहुल जी को इस प्रकार का ट्वीट नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। संदीप जी, जो जिस तरह से इमरान खान के बयान सामने आए उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हमने अमेरिका के साथ, हम लड़ाई में अमेरिका के साथ खड़ा रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश जब चीजें खराब हुई तो मैंने सरकार की आलोचना की, लेकिन पिछली सरकारों ने अमेरिका को जमीनी हकीकत के बारे में नहीं बताया। एक तरफ अमेरिका के लिए भी वो कहीं ना कहीं गलत हैं, और दूसरी तरफ अपने ही मुल्क के जो पहले के प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनकी भी बुराई कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि पाकिस्तान को सब चीज बंद करनी चाहिए, इनको अमेरिका को समझना चाहिए। सीरिया इनके पास सबसे बड़ा उदाहरण है, इराक, ईरान है, कि अमेरिका क्या करती है, जिसके साथ दोस्ती करती है उसके बाद उसका क्या हाल होता है, ये पाकिस्तान को समझना चाहिए।
अपने जनता को देखना चाहिए, वहां पर हथियार हमला आतंकवादी इस सब को छोड़ के पाकिस्तान को दूसरे स्तर पे अब सोच लानी चाहिए। ये वक्त आ चुका है, भविष्य को चिंता होनी चाहिए। अब इमरान खान का बयान अपने ही प्रधानमंत्री पर उल्टा होता है तो ये कहीं ना कहीं लोगों में एकता की कमी दिखाता है, अभाव दिखाता है आपस में। पी विजय निगम जी, इमरान खान का कहना है भारत पर, उन्होंने झूठा आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत में जैश का जो संगठन है वो काम कर रहा है और पुलवामा हमले में उनके स्थानीय ही संगठन, जो भारत में जैश का संगठन चल रहा है उनका ही हाथ है। इमरान खान के पास ऐसा क्या सबूत है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इस तरह का बयान दिया? बिल्कुल सही कह आप कह रही हैं। देखिए इमरान खान जी पहली बात तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 40 जो है आपराधिक संगठन काम कर रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि जो भारत और इसमें जैश का संगठन, भारत में तो ऐसा कोई संगठन जो भी सक्रिय होने लगता है भारत सरकार पूरी तरह से उसे दबा रही है। क्या उनके, जो आपने कहा कि क्या इमरान खान जी के पास कोई प्रूफ है, किस तथ्य के आधार पर वो कह रहे हैं कि भारत में जैश संगठन कार्य करा उसी ने काम किया? देखिए भारत के रहने वाले अधिकांश मुस्लिम भाई जो हैं, मैं ये कहूँगा 50% सब मुस्लिम भाई हिंदू ही हैं, और वो कन्वर्जन के कारण है, चाहे जो कुछ भी हमारी कमी रही हो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए वो उनमें से कन्वर्जन हुआ, जो भी कमियाँ रही। पर जो भी आधे मुस्लिम हैं उनमें सारा उन्हें भारतवर्ष से प्रेम है, राष्ट्र से प्रेम है, बल्कि मैं आधे क्यों कहूँ, सभी 99.9% कुछ ही लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और वो हिंदू मुस्लिम की बात करने लगते हैं। नहीं तो अभी मैं कैराना के एक, अगर आप कहें तो कल विधानसभा में देख रहा था कि कैराना का जो विधायक है वो वहाँ ही विधानसभा के बाहर जो हाल है वहाँ पर बोल रहा था, कह रहा था कि ये जो है भाई हिंदुओं की दुकानों से मत खरीदिए मुस्लिम तो नहीं, ये हिंदुओं की दुकान का मसला नहीं था, उनका कहना ये था कि जो बीजेपी के समर्थक के दुकानदार हैं उनके दुकान से आप सामान ना खरीदे तो उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो बीजेपी और सपा का मैटर है, फिलहाल वो मैटर दूसरा है यहाँ पे। हाँ तो मैडम मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो कह रहे हैं इमरान खान तो वो उनकी बात बिल्कुल ही गलत है, और ऐसा भारतवर्ष का कोई भी मुस्लिम समुदाय के लोग भी जानते हैं कि कोई भी आतंक होगा, कोई भी गतिविधियां होगी उसमें हिंदू भी मारे जाएंगे, मुस्लिम भी मारे जाएंगे। ज़्यादातर अधिकांश मुस्लिम कोई भी अपने देश से प्यार करता है और कोई भी इस प्रकार की घटना में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। वो बात दूसरी कि अशिक्षा के कारण कभी कभी हो जाता है लोगों से करते हैं, लेकिन ये जो जैश का उदाहरण दे रहे हैं कि जैश ने ऐसा कार्य किया है वो बिल्कुल ही गलत है, और मेरी तरफ से मैं तो उनकी निंदा करता हूँ कि इस तरह का जो उन्होंने कहा है। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं मैडम, मैं बस बाबूजी का समर्थन करते हुए आप ठीक है। लेकिन ये भी देखा जाए कि इमरान खान जिस तरह से एक तरफ झूठा आरोप लगा रहे हैं भारत पर, वहीं दूसरी तरफ बातचीत के लिए पेशकश कर रहे हैं, क्या ऐसे झूठ के बुनियाद पर उनसे बातचीत की पेशकश की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं की जा सकती है। किसी भी स्तर पर भारत इस चीज़ का समर्थन कभी नहीं करेगा और न करा है। बातचीत के लिए पेशकश तो वो लगातार करते आ रहे, लेकिन साफ तौर पर पीएम मोदी का कहना है कि पहले आतंकवाद पर विराम लगे फिर बातचीत की पेशकश होगी। लेकिन झूठा आरोप लगाकर भारत पर, और अगर ये चाहे कि झूठा आरोप लगाकर पुलवामा हमले को झुठलाया जा सकता है, उनका कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान में जो आतंकी पल रहे हैं उनका कोई रोल नहीं है, ऐसे में वो बातचीत की पेशकश करना चाहेंगे तो क्या पी विजय निगम जी कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतनी मतलब रूढ़ कहिए या दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ सम्मेलनों में अपना रुख तक नहीं किया, उनसे उनकी तरफ अभिवादन तक उनका नहीं स्वीकार करने की कोशिश की, उनसे किसी तरह की वार्ता नहीं की, ये एक अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि खुल करके ये बताया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा कि आप आतंक को ख़त्म करें, आप जो है बंदूक के जो अटैक हैं उस तरह को ख़त्म करें, तब तो हम बात करने के तैयार हों। एक तरफ मैं बात करूं और आपसे संबंध स्थापित करूं, फिर आप अंदर आकर के हमारे यहाँ आतंक फैलाना शुरू कर दें, तो ये कहाँ तक उचित होगा? जो भारत सरकार वर्तमान में ये कर रही है इस ये सराहनीय कार्य है, और मैं समझता हूँ मैं ही नहीं देश की सारी जनता भी
इस कार्य को सराह रही है और प्रतिपक्ष भी सराह रहा है। ठीक है, विजय निगम जी यहाँ रुकेंगे आपको और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद आजम खां की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। रामपुर में किसानों की जमीन हड़पने के लिए कई मामले दर्ज हो चुके हैं उन पर, और अब प्रवर्तन निदेशालय आजम खां की कुंडली खंगालने में जुट गया है। जानकारी के मुताबिक जबरन और नियमों की धज्जियां उड़ाकर जमीन हथियाने के मामले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज हो सकता है, और इस मामले में जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खां से जुड़ी तमाम FIR जुटानी शुरू कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होने के बाद जबरन और नियम विरुद्ध बनाई गई संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ईडी के लखनऊ कार्यालय ने रामपुर के डीएम और एसपी को पत्र लिखकर आजम खां के पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लोगों से पूरा ये ब्यौरा देने के लिए कहा है कि उनके खिलाफ सभी मुकदमों की जो FIR की प्रति है उसको उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में अब ईडी की भी नजरें आजम खां पर जम गई हैं और अब आजम खां की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। तो लगातार उनकी मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। सबसे पहले संदीप जी आपकी तरफ रुख करेंगे, जिस तरह से आजम खां लगातार विवादों पहले विवादित बयानों से उनका नाता रहा है जिसकी वजह से वो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन जबरन किसानों की जमीन हड़पने या जब्त करने के लिए आप इस तरह से कदम उठा रहे हैं और कितने FIR उन पर दर्ज हो चुके हैं, जिस किसान के हित के लिए आप चुनाव के दौरान बात करते हैं उसी किसान से जबरन उनकी जमीन आप हड़पना चाहते हैं। मैंने भी रिपोर्ट देखी थी कुछ दिन पहले ही, इसमें आजम खान साहब का, मैंने वहां के किसानों की रिपोर्ट देखी थी और लोगों से बात की आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, वहां पर ये चीज रियल में हुई है, असलियत में हुई है। और दूसरी चीज है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इस पर आना चाहिए, इस पर बोलना चाहिए। वो कब तक आजम खान जी का समर्थन करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? एक ना एक दिन आएगा, वही आज ये हो रहा है, वही घटना ही है जो आज उनके सामने आ रही है। और आजम खान की मुश्किलें जरूर बढ़ेगी, इस पर जांच होनी चाहिए, सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए और जैसा भी हो उस पर सजा होनी चाहिए इनको। आखिर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए उनका इतना प्रेम क्यों जग रहा है कि जिस तरह से 26 किसानों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज किया, 26 किसान उनके खिलाफ आए, लेकिन उसके बाद भी उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि जिन किसानों के लिए हमें कुछ करना चाहिए उन्हीं किसान का जमीन हड़प रहे हैं। पी विजय निगम जी, दीप्सी जी, एक्चुअली आजम खान जी ने ये जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाया है उसे एक साम्राज्य कहिए, इन्होंने उसके चांसलर भी हैं, वाइस चांसलर भी हैं, उसके एक तरह से डायरेक्टर सब कुछ वही है, और उन्होंने एक अपना एक साम्राज्य बना लिया है, एक मतलब आर्मी का है, चांसलर है यूनिवर्सिटी के, लेकिन वो रामपुर के सांसद भी तो है, वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों के लिए उनका भी फर्ज है पूरी तरह से। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन एक व्यक्ति की जो अभिलाषा ये हो जाती है कि उसने धनोपार्जन का एक व्यवसाय बना खड़ा कर दिया, उस व्यवसाय में उसने इतनी जमीनों को किसानों की हड़पने की कोशिश की, जौहर विश्वविद्यालय में मिलाने की कोशिश की, और शायद उन्हें ये लग रहा है कि मैं जो सांसद का चुनाव जीत गया हूँ तो वो सोच रहे होंगे कि सभी हमारे ही समर्थक हैं और जो मैं करता रहा हूँ वो ठीक है। लेकिन ये बात जो इनकी जो कमियाँ हैं वो बढ़ क्यों रही हैं, क्योंकि सपा के जो मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी का, माननीय अखिलेश जी का बराबर इनको सहयोग मिलता रहा है, अन्यथा जब सपा सरकार थी तभी से ये काम चल रहा है जौहर विश्वविद्यालय को बनाने का, जमीनों का हड़पने का। अगर ये अगर सपा सरकार से और सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका सहयोग इनके ऊपर ना हुआ होता तो आज जो स्थिति ये इस प्रकार की आई है। अभी हमारे माननीय संदीप जी बोल रहे थे कि ये बात सत्य है, तो ये मैंने भी पता लगाया है कि बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, कई लोगों से मेरी भी बात हुई है कि इस तरह का इन्होंने काम किया है, जो कि एक बहुत ही निंदनीय कार्य है, किसानों को जबरदस्ती जमीन को हड़प करके अपने जौहर विश्वविद्यालय में मिला लेना, वो तो केवल व्यवसाय है ना एक उनका जौहर विश्वविद्यालय, उससे वो जो धन अर्जित होता है, जो भी उसका क्रियाकलाप चल रही है एजुकेशन के साथ साथ, तो उनका धनोपार्जन का एक अड्डा कहिए ये है। तो इस प्रकार का जो एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किया कार्य किया जा रहा है उसकी जांच बिल्कुल सही करना सही है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी जानी चाहिए, ऐसा मेरा भी विचार। आपने कहा कि सपा के मुखिया को सामने आना चाहिए, सपा सरकार जब थी तब का खनन घोटाला जो है उस पर लगातार CBI की नजरें बनी हुई है, लगातार उस पर
जांच हो रही है, तो ऐसे में उन्हीं की मुसीबतें बढ़ सकती हैं सपा के मुखिया की, क्योंकि उस खनन घोटाले में सपा सरकार के दौरान वही वो विभाग देखते थे, तो ऐसे में उन्हीं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संदीप जी बिल्कुल, देखिए सत्ता जाना सत्ता आना ये तो नियम है, चलता रहेगा और ये हमेशा से रहा है कि जो विपक्ष जैसे सत्ता जाती है तो जांचें शुरू हो तो जाती क्या है। सत्ता में रह के घोटाला किया जाए, नहीं, मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जांच होना स्वाभाविक है, जांच भी होनी चाहिए, रिपोर्ट भी आनी चाहिए और जो इस पे दोषी पाया जाए उसको दंडित भी किया जाना चाहिए। ये मतलब लोकतंत्र में ये चीज जरूर होनी चाहिए और वही चीज हो रही है। बिल्कुल जांच करने का सबको अधिकार है, राज्य सरकार को है अधिकार है, जांच करें जो भी दोषी पाया जाए, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे आईएएस ऑफिसर, चाहे आईपीएस, जो भी पाया जाता है उसको उस पर दंडित किया जाना चाहिए। ये कहना चाह रहा हूँ, जांचों का सरकार आने से पहले जो भी प्रतिपक्ष में होता है वो यही दावे करता है कि ये घोटाले कर रहे थे, ये इन्होंने ये घोटाले किए हैं, मेरी सरकार आएगी तो मैं बिल्कुल चाहे फिर इसमें सपा हो या भाजपा हो या कोई भी कांग्रेस हो, कोई भी पार्टियां, ये जब पहुंचते हैं तो वो कोई भी सही ढंग से कोई इंक्वायरी नहीं करती और किसी ने भी एक उदाहरण भी नहीं पेश किया आज तक कि फला फला हमने जो घपले हुए थे उनमें इन जिन व्यक्तियों ने किए थे उनको हमने जेल पहुँचाया। तो ये इस तरह की जो राजनीति है वो इससे जो है खासतौर से आम जनता को बहुत ठेस लगती है, बहुत ज़्यादा उसको कष्ट होता है और मैं भी एक पत्रकार के नाते, एक सीनियर सिटीजन के नाते मुझे भी कष्ट है कि इसमें देखिए ये नहीं, भाजपा ने भी यही किया था, सपा ने भी यही इससे पहले किया था कि मैं मायावती जी की सरकार में जो घपले हुए हैं मैं तुरंत उन्हें मायावती को पूरा जेल में, लेकिन केवल और केवल क्या करते हैं ये लोग, कंट्रोल करने के लिए किसी को थोड़ा सा दबा लेते हैं, उस पर थोड़ी सी इंक्वायरी बैठा देते हैं और फिर अपना काम चलने देते हैं कि जिससे हंगामा ना हो। ये एक बहुत ही गलत तरीका है राजनीति का, सही निर्णय होना चाहिए, सही इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन जो व्यक्तियों ने गलत कार्य किए हैं उनको सही सजा मिलनी चाहिए, तभी देश के लोगों को अच्छा लगेगा और देश का विकास भी तभी संभव होगा, अन्यथा ऐसी ही सरकारें आती जाती रहेंगी, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे और कुछ भी नहीं। सपा के मुखिया के सामने आने की बात कही संदीप जी ने, लेकिन चुनाव के दौरान महिलाओं के, जिन महिला की सुरक्षा के लिए लगातार आप राजनेता लोग बातें करते हो, बड़े बड़े वादे करते हैं आप लोग, और उन्हीं महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, ये आजम खां की कितनी बार ऐसी टिप्पणियां सामने आई जो महिला के खिलाफ बेहद शर्मनाक थी और अब उन्हीं किसानों के साथ दगाबाजी की जा रही है। संदीप जी, दीप्ती जी, लेकिन एक बार भी सपा के मुखिया का कोई भी जवाब या कोई भी एक्शन नहीं सामने देखने को मिला। मैं वही बात मैं आपसे फिर कहता हूँ कि ये वक्त आ गया है अखिलेश यादव जी के लिए कि अब उनको सामने आजम खां को लेकर आना पड़ेगा, अन्यथा ये उन्हीं की पार्टी और उनके व्यक्तिगत जो उनका जीवन शैली या व्यक्तिगत राजनीतिक जो उनका करियर है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएगा। मैं यही चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि ये वक्त अब अखिलेश यादव जी का आ गया है कि अब जिम्मेदारी उनकी बनती है कि आजम खां के ऊपर कुछ ना कुछ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा ही उनकी पार्टी को एक ना एक दिन नुकसान जरूर पहुंचाएगी। मैं इसी बात का समर्थन कर रहा हूँ। विजय निगम जी, जिस तरह से आजम खां की ये तस्वीरें जो लगातार सामने आई, जो लगातार उनके विवादित बोल सुनने को मिले हैं, ऐसे में आखिर रामपुर की जनता क्या उनमें देखी जिसकी वजह से उनको फिर से वहां का सांसद चुनी है? देखिए दीप्ती जी, होता ये है कि राजनीति में चुनाव जीतने के बहुत सारे कारण होते हैं, मतलब वोटर्स का पोलराइजेशन करना, जाति आधार पर और कई पार्टियों से संबंध कर लेना तो वोट कटिंग हो जाती है, उन्होंने उनका समर्थन कर दिया वोट कट जाते हैं, तो जाति को के समीकरण धर्म के आधार पर ये तो चुनाव जीते जाते हैं। और शायद मुझे लग रहा है कि आजम खां जी को ये सोचना चाहिए कि ये केवल और केवल मतलब जो है अल्पसंख्यकों के द्वारा ही सांसद नहीं बने होंगे, उनको वोट देने वाली हिंदू मुस्लिम सभी प्रकार की जातियाँ सभी धर्मों को मानने वाली होंगी, तो अगर ये कोई भी ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि अभी आपने कहा महिलाओं पर के बारे में, महिला सांसद के बारे में अभद्र बातों का शब्दों का प्रयोग करना, तो ये एक मतलब ये ऐसा शो करता है, ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, विद्वान व्यक्ति नहीं है, जिसके भाषा शैली नहीं ठीक है, जो महिलाओं का अपमान कर सकता है, वो देश और का अपमान, किसानों का किसानों का शोषण कर सकता है, ये सब तो ठीक, अब तो वो
पाकिस्तान का भी प्रेम जो प्रेम राग है, उससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि मैं पाकिस्तान चला नहीं गया, तो मैं कहता हूं अब चले जाए ना, अगर उन्हें ऐसा दुख लग रहा है, भारतवर्ष से ऐसा कष्ट लग रहा है, मैं तो ये कहता हूं कि दावे के साथ में जो भी व्यक्ति कोई भी धर्म का मानने वाला है, अगर वो भारतवर्ष में रहता है, उसे अपने अधिकारों को दावों के साथ कहना चाहिए और भारत की सुरक्षा, भारत के विकास में भी उतनी ही दम से बोलना चाहिए। केवल केवल अपने स्वार्थों के बारे में सोचना, अपने बारे में केवल अपनी अपने लिए बात करना, वो कभी भी अच्छा राजनीतिक नहीं हो सकता, भारत का अच्छा निवासी नहीं हो सकता। अगर जिस व्यक्ति को यहाँ भारतवर्ष में रहने पर भारत से वो कह रहा है कि हमें कष्ट है, तो उसे नहीं रहना चाहिए, और अगर नहीं रहना चाहिए तो फिर जो कहते हैं तो फिर राजनीति नहीं करनी चाहिए, केवल और केवल राजनीति नहीं करनी, फिर उस पर करके भी दिखाना चाहिए, अन्यथा मैं समझूंगा कि ये राजनीति ही करते हैं, इस तरह के अभद्र भाषणों को देते हैं, किसानों का शोषण करते हैं, और उसके बाद भी सांसद बन गए हैं तो अभी तो 5 साल रहेंगे ही, अभी तो कोई हटाने वाला भी नहीं है, ना ऐसा कोई नियम है जिसे हटाया जाए, लेकिन आगे जरूर इनकी। लेकिन सवाल ये कि विजय निगम जी, आखिर ऐसे लोगों को पार्टी टिकट क्यों देती है? ये तो मैंने कहा, देखिए दीप्सी जी की और हमारे प्रसपा के प्रवक्ता जी ने भी कहा कि जो है अखिलेश यादव जी को बिल्कुल सामने आना चाहिए। अखिलेश यादव जी की पार्टी में देखिए पारिवारिक कारणों से विभाजन हुआ, अब अगर वो ऐसे ही दबते रहे, ऐसे ही अपने जो कमियों को छुपाने में लगे रहे, तो हो सकता है कि उनका एक ग्रुप फिर से अलग तैयार हो जाए और उसमें भी टुकड़े होने लगे, क्योंकि वहाँ भी ऐसे लोग होंगे जो आजम खान जी की इस प्रकार की नीतियों गतिविधियों से असंतुष्ट होंगे। अगर ये अखिलेश जी इस पर चिंतन नहीं करते हैं, इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि अखिलेश जी के और भी लोग विरोधी खड़े हो जाएं, वो भले ही फिर प्रसपा में चले जाएं या अन्य किसी पार्टी में चले जाएं। तो इस बात पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अखिलेश जी का जो लोगों को मानना था कि एक बहुत इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, नवयुवक हैं, और उन्होंने काम करने की भी कोशिश की अपने सरकार में, लेकिन उनका काम नज़र क्यों नहीं आया, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां थी, उसको अभी हाईलाइट करना इस समय चैनल में जरूरी नहीं, पर जो बात चल रही है ये चल रही है उनकी पार्टी की, उनके राजनीतिक कैरियर की, उनके भविष्य की, उस पर अगर इन्होंने माननीय अखिलेश जी ने ध्यान नहीं दिया तो उनका ही नुकसान होगा, उनकी पार्टी का नुकसान होगा। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर रोकना चाहेंगे, तो अब एक नजर डालेंगे ट्विटर की खबरों पर। तो आज हमारे साथ चर्चा में शामिल थे संदीप पांडे जो कि प्रसपा से हैं, और पी विजय निगम जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।